देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए खबरों का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। बाराबंकी के थाना सफदरगंज तहसील सिरौली गौसपुर के अंतर्गत रामपुर पोस्ट महमूदाबाद में मूर्ति विसर्जन कल्याणी नदी पर किया गया। मूर्ति महमूदाबाद से चलकर कल्याणी नदी तक जाए, वहीं विसर्जन किया जाएगा। यहां पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया रही, बहुत ही अच्छे ढंग से मूर्ति का विसर्जन कराया गया। बाराबंकी से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं फाइव न्यूज इंडिया से बोल रहा हूँ। बाराबंकी के ग्राम पोस्ट महमूदाबाद के मॉडल हमारे महमूदाबाद के महमूदाबाद से चल करके कल्याणी नदी तक जाएगी। यहाँ मैं पुलिस प्रशासन से बात कर रहा हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। माता जी के नाम से मैं 24 घंटे का 48 घंटे का 120 दिन तक काम कर सकता हूँ। आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, पानी में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमारे महमूदाबाद में जो कमेटी बहुत अच्छी है जी, और हमारे साथ में नाम प्रधान जी के लड़के भी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई माता जी को इतना समर्थन मिला, इतना दूध है, अपने आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं प्रधान जी के लड़के से बात कर रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ पे कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है? यार बाराबंकी में रामस्नेही घाट के थोरतिया गांव में माता रानी का जागरण देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आए। लोगों ने माता रानी का दर्शन पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बाराबंकी से हमारे संवाददाता उदेश कुमार की रिपोर्ट। बहुत दूर दूर से माँ भगवती के जागरण के लिए भाई साहब आज यहाँ कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? कार्यक्रम चल रहा है जागरण माता राम समझ रावे जी को बाराबंकी में रामस्नेही घाट के थोरतिया गांव में सुंदर माता रानी के दरबार में भक्तों का दुख दूर होता है। ये माता रानी के मंदिर की सच्चाई है, ऐसा सभी भक्तगण श्रद्धा पूर्वक मानते हैं। बाराबंकी से हमारे संवाददाता उदेश कुमार की रिपोर्ट। माना हॉस्पिटल भी है जी, 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 बच्चे का हॉस्पिटल भी जी, है जी। इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, लाभ नहीं मिला जी, जी। क्योंकि मैंने एक हफ्ते तक वहाँ भर्ती किया जी, लेकिन उससे मुझे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला जी। फिर जब हमको जानकारी हुई और जानकारी होने के बाद में जब मैंने यहाँ आया जी, जी, तो हमें ऐसा लगा, ऐसा माता रानी के चमत्कार हुआ जी, जी, ऐसा चमत्कार हुआ जी कि बिल्कुल माता रानी उनको सही कर दिया जी, बिल्कुल से सही हो गया बच्चा, ये मेरा बच्चा है जी, जी। इस बच्चे को मैंने यहाँ पर जब लेके आया और साथ में बच्चे की माँ जी हैं जी, जी, जी। आपका शुभ नाम? आप के बच्चे की तबीयत, जैसा कि पिताजी ने बच्चे के बताया कि बहुत तबीयत खराब थी, तो आप भी कुछ बताइए क्या स्थिति थी बच्चे की, फिर कैसा प्रभाव पड़ा माता रानी की कृपा से? माता रानी की कृपा से बहुत प्रभाव पड़ा जी, बच्चा आपका बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अच्छा, तो तब से आप दोनों लोग बच्चे सहित यहाँ पर आते हैं ऑलरेडी? बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहन जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? अच्छा, फैजाबाद की हैं जी। तो आप यहाँ पर कब से आ रही हैं जी? कुछ वाकया घटित हुआ जिसके कारण, कैसे आपको मालूम हुआ कि यहाँ पर? मेरे साथ में बहुत परेशान हुई, मेरे घर वाले भी बहुत परेशान थे, मैं पागल हो गई जी, जी। लेकिन मुझे पता चला तो यहाँ आई जी। तो कैसे आपको जानकारी मिली कि इस दरबार में लोग अच्छे होते हैं? मेरे यहाँ मेरी चाची आती थी जी, जी, पहले से वो आती थी। हाँ। अच्छा अच्छा, तो अब आपको काफ़ी सुधार है? हाँ, बहुत। अब कोई दिक्कत नहीं रहती? ठीक। कैमरामैन के साथ मैं उदेश कुमार, फास्ट न्यूज इंडिया, बाराबंकी। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ
बलिया गांव में प्राचीन रामलीला लगभग 100 साल से अधिक वर्षों से चली आ रही है। यहां क्षेत्र में सबसे पुराने रामलीला का मंचन किया जा रहा है। दशहरा के दिन रावण का वध व पुतला का दहन देखने योग्य रहा। रामलीला के साथ मेला लगने की भी परंपरा बहुत पुरानी है। गाँव के रामलीला को सहयोग देने वालों में केमिस्ट ड्रगिस्ट के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार पांडे, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य वरुण कुमार पांडे, पूर्व प्रधान गुड्डी सिंह आदि लोगों का विशेष योगदान रहा। गाजीपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद जफर इकबाल की रिपोर्ट। विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एसओ देवगांव ने फास्ट न्यूज इंडिया की टीम के माध्यम से जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की एक रिपोर्ट। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक कोई ऐसी लकी बात नहीं है। ये रार खान कहते हैं। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।